जब आप परमेश्वर को हल्के में लोगे तो फिर आपको भी वो हल्के मिलेगा। बात यह नहीं है यहां वो 100 रुपया भी नहीं कमाता था, आज वो 250 रुपया कमाता है। तो 250 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं। बोलो क्या है? 250 रुपया क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। पर यहां पे बात पैसों की नहीं है, बात परमेश्वर के नियम की और उसकी आदर की है। बात क्या है? उसके नियम की और उसके आदर की। बात 250 रुपए की नहीं है। समझ आ रही है? क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा जो थोड़े में सच्चा है वो बहुत में होगा, जो थोड़े में सच्चा नहीं है वो बहुत में नहीं होगा। बोलो क्या नहीं होगा? जो थोड़े में सच्चा नहीं वो बहुत में हो जाएगा। आप बोलो। बात ये नहीं है, बात नियम की, परमेश्वर के कानून की है। और जो लोग परमेश्वर के नियम को, उसके कानून को फॉलो करते हैं और उसको मानते हैं, मानना मतलब उसका भय, उसका डर रखना, उसकी बात को मानना मतलब उसका भय, मतलब डर रखना। बोलो क्या रखना? संसार में जब लोग होते हैं, आपको पता मैं भी संसार से आया हूं, मैं कोई जद्दी पुश्ती मसीह नहीं हूं, समझते हो? मैंने भी कुछ साल पहले प्रभु को जाना, उसकी सच्चाई को जाना, तो मैंने देखा लोगों को संसार में इस चीजों के लिए, जैसे अपने अच्छे जीवन के लिए लोग ऐसे बोलते ना पंजाबी में, सुखना सुखना। क्या सुखना? सुखना। और जब लोग उस सुखना को मतलब ऐसे सुखते हैं, जब तक वो पूरा नहीं करते तब तक उनके मन में ऐसे रहता है कि नहीं जी कुछ गलत ना हो जाए। बोलो क्या ना हो जाए? कुछ गलत ना हो जाए। और लोगों के अंदर डर है। और बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपना, है ना, जैसे है ना, खुदा ने प्रेम किया, आपके अंदर डर नहीं, आपके अंदर डर नहीं ना पाया, उसने प्रेम किया आपसे, पर उसका प्रेम ही उसका भय, उसका आदर है। और जो लोग मानते हैं, बात ये 250 रुपए की नहीं, बात है परमेश्वर की बात को मानना। क्या करना? मैं जानता हूं, देखना आज वो 250 में ही जो अपने बेटे के लिए वफादार है, देखना एक दिन 250 से कितना, पता नहीं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मांगने और सोचने से कई गुना क्या करता है, क्या करता है? कई गुना ज्यादा करता है। और ज्यादा कब करता है? जो थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े में नहीं है उस बहुत में नहीं हो सकता। क्योंकि आपका मन पैसों पे नहीं, किस पे होना चाहिए? आपका मन पैसों पर होना चाहिए कि किस पर होना चाहिए? किस पर होना चाहिए? अगर आपका मन पैसों पे अभी भी है तो फिर आपको ये सच्चाई जानने की जरूरत है। बोलो क्या है? अगर आज भी आपका मन पैसों पर है तो आपको सच्चाई को जानने की जरूरत है। क्या है? अगर आप इस चीज में कमजोर हो तो आपके जीवन में अभी उद्धार नहीं आया। क्या नहीं आया अभी? अगर इस चीज में आप कमजोर हो तो फिर आपके जीवन में उद्धार नहीं आया। आपको पता जकई को कितने लोग जानते हैं? जकई, बाइबल में लिखा जकई के बारे, एक पापी मनुष्य था जकई, चुंगी लेने वालों का सरदार। क्या? चुंगी लेने वालों का सरदार। तो यीशु मसीह उसी नगर से गुजर रहे थे और भीड़ उसके पीछे थी। क्यों भीड़? पता है ना, आज भी लोग क्यों यीशु मसीह के पास आते हैं? क्यों आते हैं बोलो? क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए, इसलिए लोग आते हैं। और वो लोग आते हैं जो संसार में सब जगह घूम आते हैं, सब जगह अपनी पूरी कोशिश लगा लेते, तब लास्ट में आते हैं लोग यीशु मसीह के पास। क्या आते हैं? लास्ट में। इसीलिए यीशु मसीह के पीछे भीड़ें चलती थी, भीड़ें, क्योंकि उसके पास जीवन था और लोगों को मिलता भी था। जो पैसों से नहीं मिलता वो किससे मिलता था? यीशु से। इसलिए भीड़ें उसके पीछे थी। बोलो। और उसी
जकई चुंगी लेने वाले सरदार के उस नगर में यीशु आया तो परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसने चाहा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं। और लिखा वो बाइबल में लिखा वो नाटा था, नाटा मतलब छोटा था, कद का बहुत छोटा था, वो भीड़ के कारण वो देख नहीं सका, ऐसे क्या नहीं देख सका, देख नहीं सका। और उसके बाद उसने ये नहीं सोचा कि मैं लोग पूरा नगर उससे डरता था, वो शर्माया नहीं कि मेरी पोजीशन है, मेरी पोस्ट है, क्या है, कुछ लोग जैसे आज भी उसके नाम से शर्माते हैं ना, शर्माते नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो चुपके से आते हैं, लोगों को पता ना चले तो उधार कहां है फिर। पौलुस कहता मैं किसी को शुभ समाचार सुनाने से लजाता नहीं, शर्माता नहीं। तो जकई लिखा भीड़ के कारण देख ना सका, फिर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, किसे देखने के लिए। और जब यीशु उस पेड़ के नीचे गुजरा तो फिर पता नहीं चला यीशु को, ऐसे हुआ। वो मनो को जानता है, क्या है मनो को जानता है। भीड़ उसके पीछे थी और उसने कहा आजा जकई, आजा नीचे, आज मैंने तेरे घर रुकना और तेरे घर ही खाना है, आजा नीचे। और भीड़ यीशु मसीह को कह रही है ऐसे अपने अपने मन में, है, इसको पता नहीं है, ये गुरु तो है, इसे पता नहीं ये कितना गंदा बंदा है, ये कितना पापी है, लोगों को ठगता है, बुरे काम करता है। तो लोग तो अपनी बुद्धि से चला रहे हैं काम, इसे पता नहीं यीशु को, आप क्या करते हो किसे पता है, आपके मन में क्या है किसे पता है, आप किस मन से किस चाहत से आज आए हो किसे पता है, किसे पता है, समझते हो। और जब लोगों ने ऐसे सोचा कि ये तो पापी है, क्या ये, पर यीशु मसीह किन्हें बचाने आया, धर्मियों के पापियों को। इसीलिए जब यीशु मसीह उसके घर गए तो उसने यीशु मसीह को कहा मैं दुगना दूंगा, जितना मैंने लोगों से ठगा है गलत तरीके से, मैं दुगना दूंगा। क्या दूंगा, मैं दुगना दूंगा। अगर मैंने ऊस लाकर गलत तरीके से किसी से ज्यादा लिया तो मैं चौगना दूंगा, क्या दूंगा, मैं चौगना वापस दूंगा। यीशु मसीह ने कहा इस घर में उद्धार आया है, क्या आया इस घर में, उद्धार आया, उद्धार। और उद्धार में किसकी सामर्थ्य है, किसकी ताकत है, और उद्धार में मोक्ष है, उद्धार में मुक्ति, और उद्धार में परमेश्वर की सामर्थ्य, और उद्धार में स्वर्ग का जीवन है, उद्धार में आपका स्वर्ग का जीवन है जो छिपा हुआ है। पर छिपे हुए जीवन को आपने प्रकट करना है, अपने विश्वास से अपने वो प्रेम करके दिखाना है। बात थोड़े की नहीं है, बात है उसके प्रेम की। आई समझ,